नागपुर जिला परिषद सभापति चुनाव गुरुवार को संपन्न हुआ। जिला परिषद सभापति चुनाव में ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि कांग्रेस राष्ट्रवादी पक्षों में से ज्यादा सभापति राष्ट्रवादी को मिलेगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। चार सभापति पदों में से सिर्फ एक ही पद राष्ट्रवादी को दिया गया, बाकी चार पद कांग्रेस ने अपनी ओर रख दी है। जिला परिषद अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद के लिए भी राष्ट्रवादी को हार लेनी पड़ी थी और सभापति पद के लिए भी हार झेलनी पड़ी। कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजेंद्र मुड़क, इन्होंने पहले ही कहा हो कि ये निर्णय एकमत से लिया है, मगर राष्ट्रवादी के सदस्य एवं कर्मचारियों के चेहरों पर नाराजगी खास तौर पर दिखाई दे रही थी। आज नागपुर जिल्हा परिषद मध्ये जिल्हा परिषदच्या विषय समित्यांच्या सभापतींच्या निवडणुका झालेल्या आहेत। यामध्ये काँग्रेस पक्षाचे तीन सभापती आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचा एक सभापती अशी निवडणूक झालेली आहे। नुकतेच निकाल जाहीर झालेले आहे, त्यामध्ये काँग्रेसचे सदस्य एक अपक्ष मिळून आम्ही 31, सहयोगी सदस्य शिवसेनेचे 1, 32 आणि त्यानंतर राष्ट्रवादी पक्षाचे सदस्य 11 असे 43 मतं काँग्रेसच्या सभापती आणि राष्ट्रवादीच्या सभापतींना प्राप्त झालेले आहे। भारतीय जनता पार्टीला 15 मतं प्राप्त झालेले आहेत। काँग्रेस राष्ट्रवादी आघाडीचा विजय झालेला आहे।